कुछ लोग मुझे लगता है ये दर्शन करके वापस पॉइंट है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो चुका है कितना? 6 बज गए हैं। उम्मीद हो गए हैं मंदिर के लिए और जाके हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। हमारे यार दोस्त मित्र प्यारे सब कुशल मंगल रहे, उनको भी यहाँ पे आने का मौका मिले। धन्यवाद। सभी खुश रहें, सभी के काम सिद्ध करें बाबा साला सर बाबूला जी महाराज। तो मिलते हैं गाइज आपको, अभी जा रहे हैं मंदिर और निकलते हैं बाहर का व्यू दिखाएंगे आपको, हल्का सा कैसा है सीन है बाहर का, सुबह सुबह का टाइम है। गाइज हम निकल चुके हैं और गाइज अभी हम निकल चुके हैं टेंपल के लिए। देखते हैं खुल गया होगा ना सर टेंपल अभी। हम ऑफ कर देंगे क्योंकि लाइट भी हमें सेव करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सुबह के 6 बजे हैं, व्यू देखिए, अर्ली मॉर्निंग है। उधर वही है ना जो पार्किंग वाले शायद वो आग जला करके सेक रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह का ठंड होती है निकले तो। आई थिंक अभी हमें भीड़ नहीं मिलेगी, मुझे लग रहा है जो यहाँ का माहौल मैं देख रहा हूँ ये मिलेगी। लाइन लगी हो गया, लाइन पक्का पक्का। चलते हैं फिर देखते हैं। सभी शॉप्स खुल चुकी हैं, देखिए अपने यहाँ पे सफाई वगैरह कर रहे हैं सुबह सुबह उठ के। कुछ लोग मुझे लगता है ये दर्शन करके वहाँ टी पॉइंट है, हरियाणा टी पॉइंट। तो ये सभी लोग मुझे लग रहा है ये दर्शन करके वापस आ गए। अच्छा अभी सुबह पहुँच रही, पूरी शॉप शॉप बंद होने लग रही है, सभी लोग लगा रहे हैं। तो गाइज यहाँ से ले लेते हैं हम प्रसाद, पहुँच गए भाई की शॉप पे। कैसे शिवम मिष्ठान भंडार जो कि हमारे नॉन पर्सन है पहले से, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। और बढ़िया जी, बढ़िया। कैसे हैं जी? तो क्या प्रसाद लेंगे अभी? क्या लेना है? अपना कुछ पेड़े दे, पेड़े दे देना जी, पेड़े पेड़े दे। हाँ 50 रुपये कर दो, 50 रुपये। बाकी फिर ले जाएंगे ना वापसी। तो अभी हम इस साइड आ जाओ, फिर मेरा ये हाथ की प्रॉब्लम रहती है, लेफ्ट चलता है लेफ्ट ही, इसलिए प्रॉब्लम रहती है। तो गाइस कितना टाइम हमें और लगेगा अभी टेम्पल पहुँचने में? 5 या 7 एक बता दो प्लीज़। 5। चलो मैंने मान लिया आपके 5 मिनट, अभी चल पड़ रहे हम लोग। काफ़ी लोग मुझे लग रहा है वापस आ रहे जो टेंपल से आ रहे क्या? अच्छा है, इधर से पार्किंग की भी है और टेंपल से भी आ सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, ये किस किस की समाधि है सर? ये बाबा मोहनदास की है। बाबा मोहनदास जी, और ये मोहनदास जी। हाँ, और वो आके तो हम मेन द्वार पे एंटर पहुंच चुके हैं गाइस। मेन द्वार पे हम तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर के अंदर, एंटर हो होने लग रहे हैं हम। और अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, जय श्री राम जूता कर यहाँ पे लिखा हुआ है। और दर्शन के लिए इधर से बोला, अभी शायद भीड़ कम है। अरे लाइन बड़ी लाइन है, नहीं तो नहीं।
रात वाले बंदे थे। तो गाइस लाइन बहुत लंबी है, भीड़ काफी है, लग चुके हैं हम लाइन दिखाते हैं आपको। काफी पीछे से लाइन लगी हुई है ना, हम लगभग 6:15 बजे लाइन में लगे हैं और देखते हैं कितनी देर में फ्री होते हैं। पीछे भी लाइन है थोड़ी, लाइव नहीं आ जाएगी, बाद में अपलोड हो जाएगा। यहाँ से सीढ़ियाँ से वो करके अभी देखते हैं जिस हिसाब से लाइन की स्पीड अभी लग रही है, तो गाइस लगता है हमें आधे घंटा नहीं, जिस हिसाब से लाइन की स्पीड होगी अभी बहुत लंबी है। पीछे से तो गाइज पहुंच चुके हैं हम प्रवेश द्वार पे, आगे शायद कैमरा बंद होगा, अलाउड नहीं है कैमरा। तो गाइज अभी हम दर्शन करने के बाद बाहर आ चुके हैं और लाइन जब हम गए तो काफ़ी लंबी थी, इसमें हमारे को लगभग 1 घंटे का टाइम लग गया ना सर, 1 घंटे का टाइम हमें लगा मैक्सिमम, बट बहुत अच्छे से बड़ा आनंद मिला, बहुत अच्छा लगा दर्शन करने के बाद। और अभी चलते हैं आगे, चाय वाय कुछ लेते हैं, चाय के बाद फिर कुछ निकलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे कुछ, अगर डिफरेंट कुछ मिलता है तो ज़रूर दिखाएंगे गाइस। श्री मोहनदास महाराज जी एंड कनिका देवी जी बहन, अभी चलते हैं हम लोग, क्या करें अब, चाय वाय लें थोड़ी, चलते हैं आगे चलते हैं। और एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा रहा अभी तक जो दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर आए हैं, और टाइम भी आई थिंक 2 लोग हमारे से पीछे लाइन में लगे थे, जो हमारे से आगे आ गए हैं ना, उसमें मैंने यूज़ कर दिया है। तो गाइस क्या नाम है आपका, हाँ जी, तो सभी भाइयों को ये कहूँगा कि अगर किसी का भी दान करने का कुछ भी मन होता है, डोनेशन करने का, तो ऐसे लोगों को करना चाहिए जैसे कि मैं भी कर रहा हूँ और मैं करता भी हूँ अक्सर। मैं इसको दिखाना नहीं चाहता बट मैं ये कहता हूँ कि सभी, अगर हमें अगर दान पुण्य करना है तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की करनी चाहिए, क्योंकि जो भी मतलब अपाही टाइप होते हैं। ठीक है जी, बढ़िया, खुश हैं आप, मस्त हैं, तो बढ़िया लगा, मतलब से भी फिर भी आप खुश रहते हैं, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा। ठीक है, तो ये है और क्या क्या होता है आपके पास, जैसे ये पगड़ी होती है राजस्थानी, राजस्थानी है ना, और क्या होता है, और भी कुछ होता है, कोई ऐसे पहनावे टाइप,
देखो इस साइड चाय अभी पी लेते हैं। तो गाइस ये हमारे सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने शाम को भी हमें पहचान लिया था और फिर इनके शॉप से हम निकल रहे थे, अब फिर इन्होंने रोक लिया। काफ़ी अच्छा लगता है मिल करके आपको, आपने पहचाना और कमेंट आपके आते हैं, आप वो आप ही हैं ना प्रवीण जी, काफ़ी कमेंट मारते हो आप, वीडियो देखते हो, तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। गाइस भाई भी बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हैं और इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इनके वीडियो देखा करो। थैंक यू, मिलेंगे डियर फिर जब दोबारा नेक्स्ट टाइम इधर आएंगे, तो मैं आप जैसे आपने मुझे पहचाना तो मैं आपके पास खुद आऊंगा, ये देखना आप इधर आऊंगा ना। तो गाइज अभी हम होटल पहुंचने वाले हैं और उसके बाद नाश्ता, अभी तो हमने चाय भी नहीं ली, चाय नाश्ता इकट्ठा करें क्या? तो बताइए आप, ये है राजस्थानी कैप टोपी, कैसी लग रही है? राजस्थानी धरोहर, धरोहर बोलते हैं जी, राजस्थानी धरोहर है ये, राजस्थानी धरोहर। चलो सॉरी पता नहीं था, भाई के साथ आए तो कुछ तो सिखाएंगे यार। नहीं आप सीखे खाएंगे, आपके देखो ये फैक्ट बहुत मैटर करता है, बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है जी, चाय 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 पिला, चाय नाश्ता अंदर ही इकट्ठी करते हैं। क्या करेंगे? हाँ अभी जा रहे हैं हम माता अंजनी के दरबार में। ओके अभी हम जा रहे हैं माता अंजनी के टेम्पल, दरबार वहाँ के दर्शन करने के बाद फिर चाय और वो लेंगे ना नाश्ता। तो गाइस मिलते हैं अभी आपको अंजनी माता टेम्पल पहुँच करके। तो गाइस वापस पहुंच चुके हैं हम होटल और चलते हैं, हम जाने चलने की तैयारी करते हैं क्योंकि नाश्ता यहाँ पे भी लेट होएगा, नाश्ता करेंगे आगे रास्ते में रुक करके, चलते हैं नाश्ता फिर बीच में करेंगे। चलते हैं निकलते हैं, हमने दर्शन कर लिए, बहुत बड़े दर्शन हो गए सुबह सुबह, बड़ा मनोरंजन हुआ अच्छा। एंड हमें कुछ यहाँ पे जो हमारे सब्सक्राइबर थे पहले जानते थे वो भी मिले, खुशी मिलती है ना, उन्होंने हमें पहचाना से आपको, फिर सुबह फिर हम उसको मिल के आए और भी काफी लोग थे, तो थैंक यू सभी का, बाय बाय बाय, मिलते हैं आपको अब आगे जा करके। ये ब्लॉग को तो यहीं पेंट कर देते हैं मेरे हिसाब से, ये ब्लॉग यहीं पेंट करते हैं, ये आपका यहाँ का हो गया सालासर का ब्लॉग है ये, आप देखना और मैं दोबारा से फिर भगवान श्री सालासर महाराज जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको आपके परिवार को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, आपको सारे काम आपके अच्छे होते जाएँ, सिद्ध होते जाएँ, क्योंकि सीधी रीधि रीधि सीधी क्या है, सीधी रीधि सीधी वाले वाला जी, रीधि सीधी वाले वाला जी है। तो बाय बाय गाइस।